Very good morning to all of you. Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm, by Winston Churchill. Welcome to pre-market analysis. आज है 17 जून 2022. आइए देखते हैं ओवरनाइट क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और आज और आने वाले दिन में क्या एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड है. कल हमने देखे हैं कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव आया है. ऊपर में आपका 105.49 था एंड नीचे 103.41. अभी है 104.10. सो ऊपर का जो स्ट्रेंथ था थोड़ा सा उसमें कमी देखा गया है. एंड व्हाट इट मींस, आज जैसे एक सपोज ये आज के दिन में अगर ग्रीन कैंडल बनता है, छोटा सा हो या मीडियम साइज का हो, एंड कल यानी मंडे को इसके लो के नीचे ट्रेड करता है तो एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव देखने को मिलेगा. अदरवाइज आज अगर कल का लो को तोड़ दे देता है एंड थोड़ा टाइम के लिए सस्टेन करता है, इन सच ए सिनेरियो आल्सो डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव देख सकते हैं. आइए देखते हैं डॉलर रुपी में क्या हुआ है. कल ये ज्यादा कुछ ड्यूरिंग द इंडियन मार्केट आवर्स ज्यादा कुछ एक्टिविटीज था नहीं. अपने मार्केट आवर्स में कल इट ट्रेडेड इन बिटवीन 78.01 एंड 78.0975, बट आफ्टर दैट पर्टिकुलर इंडियन मार्केट टाइमिंग्स इट ट्रेडेड हाई ऑफ 78.15 एंड लो ऑफ 77.89. तो कल देखा गया है कि एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है एंड हमारे अभी ये इंतजार है कि प्राइस इस रेंज के अंदर में क्लोज दे दे. जो प्रीवियस रेंज था दैट इज आपका 77.90 के नीचे एक बार क्लोज दे देता है इफ इट इज ऑन टुडे और ऑन मंडे. इन सच ए सिनेरियो डॉलर रुपी आपका 77.40 के तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज होगा. उसका रीजन ये है कि ये जो ब्रेक आउट है ऊपर की तरफ, इन सच ए सिनेरियो क्या सिनेरियो है, यही कि कैंडल प्राइस इस रेंज के अंदर में क्लोज दे दे. इन सच केस जो अपवर्ड मूवमेंट का 4-5 दिन का एक्टिविटी था दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकआउट. तो हमें अभी इंतजार करना है कि प्राइस इसके नीचे क्लोज दे देता है या नहीं. जीबीपी डॉलर में कल भी एक अच्छा खासा पुल बैक देखा गया है फ्रॉम द लो, जो आपका 14th ऑफ जून को लो मार के आया है 1.1933. उसके बाद आपका 15 जून को भी अच्छा खासा पुल बैक दिया है. जो हमारा कल का एनालिसिस देखोगे तो वहां पे हमारा यही था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है या आपका तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है. तो हमने कल देखा है कि ये तोड़ के ऊपर की तरफ गया है. दैट बीइंग द केस यहाँ पे देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.2450 और उसको भी अगर तोड़ के जाता है देन इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.2600. सो प्राइस एक्शन हमें देखना है केयरफुली. अगर हम यूरो डॉलर में देखेंगे, यूरो डॉलर में भी कल अच्छा खासा एक पुल बैक देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.0380 एंड 1.0601. तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक में हम डाउनसाइड में अगर थोड़ा सा रिट्रेस करता है, इन सच ए सिनेरियो वी कैन लुक फॉर सम बाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स 1.0650. अगर हम डॉलर येन देखेंगे, डॉलर येन में पिछले दो दिन में अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है. दैट बीइंग द केस एंड कल एक सेल ऑफ हुआ था इन बिटवीन 134.68 एंड 131.50. आज थोड़ा सा बायर्स सिंस मॉर्निंग थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाने का कोशिश कर रहा है. व्हाट इट सिग्निफाइज, मान लेते हैं कि आज के दिन में एक ग्रीन कैंडल यानी बुल कैंडल फॉर्म होता है, वेदर इट इज ए स्मॉल ग्रीन कैंडल और ए बिग ग्रीन कैंडल, व्हाट एवर इट मे बी. उसके बाद मान लीजिए कि फ्राइडे का क्लोजिंग ऐसा ही दिया है,
इन सच ए सिनेरियो। मंडे को इसके लो के नीचे जैसे ही थोड़े टाइम के लिए सस्टेन करेगा, एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का प्राइस सेक्शन थोड़ा सा पुल बैक वाला है, तो पुल बैक में हमें देखना है कि हाउ द प्राइस इज बिहेविंग। जीबीपी आईएनआर में कल हमारा वही था कि ये दिस इज ए फॉल्स ब्रेकडाउन ऑन द लोअर साइड। दैट बीइंग द केस, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि प्राइस विल टेस्ट दिस पर्टिकुलर स्विंग हाई, दैट इज 97.50। तो हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन जैसे दिखेगा आज के दिन में, वन कैन ट्राई टू बाई फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स 97.70 की तरफ। अगर यहाँ पे हायर हाई हायर लो फॉर्म नहीं करके लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन करते हैं, देन वी नीड टू वेट फॉर सम मोर टाइम टू बाई। अगर हम यूरो आईएनआर देखेंगे, यूरो आईएनआर में भी कल एक अच्छा खासा बाइंग पुल बैक फ्रॉम द बॉटम दिखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 81.07 एंड 82.57। दैट बीइंग द केस, अभी ये जो है आपका 82.74, यहाँ 75 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस, माइनर रेजिस्टेंस दिख सकता है। सो हमें देखना है कि ये माइनर रेजिस्टेंस फेस करता है या 4 के ऊपर की तरफ टूवर्ड्स 83.30 से 83.50 की तरफ जाता है, ये हमें आने वाले दिन में देखना पड़ेगा। अगर हम येन आईएनआर देखेंगे, जेपीवाई आईएनआर देखेंगे, कल एक अच्छा खासा बॉटम से ऊपर की तरफ देखा गया है। दैट बीइंग द केस, ये जो दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, वी नीड टू सी वेदर इट इज अ फॉल्स ब्रेकडाउन ऑन द लोअर साइड और नॉट। ये अगर ब्रेकडाउन होता है, हाउ उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, जो 16 जून का हाई है उसके ऊपर आवरली बेसिस पे एक या दो कैंडल सस्टेन करता है, देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकडाउन। एंड इन सच ए सिनेरियो वी मे बी एक्सपेक्टिंग ए अपवर्ड मूवमेंट टूवर्ड्स 0.6100। उससे पहले हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हल्का सा माइनर रेजिस्टेंस आएगा आपका 0.5985 के तरफ, सेकेंड माइनर रेजिस्टेंस आना चाहिए टूवर्ड्स 0.6050। ये दोनों रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। इन सच ए सिनेरियो वी मे एक्सपेक्ट 0.6110 से 6120 की तरफ। अगर हम डॉलर कैंडी देखेंगे, डॉलर कैंडी में परसों 15 जून को एक सेल ऑफ देखा गया था एंड कल एक फिर दोबारा बाई देखा गया। व्हाट इट सिग्निफाइज, पिछले 3 दिन में बैक टू बैक एक कंसोलिडेशंस कर रहा है। अभी कंसोलिडेशन के बाद अगर ये 3 दिन के हाई के ऊपर क्लोज दे देता है, तो हम ये 1.308090 के तरफ हम देख सकते हैं। अगर लो के नीचे ट्रेड करता है, ये 3 दिन के लो के नीचे थोड़ा टाइम के लिए आवरली बेसिस पे एक या दो आवरली कैंडल अगर क्लोज दे देता है इसके लो के नीचे, देन वी मे एक्सपेक्ट अगेन ए डाउनवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 1.2525 की तरफ। ऑसी डॉलर में कल एक अच्छा सा पुल बैक देखा गया है, इट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस बुल कैंडल फॉर्मेशन, ए रिट्रेसमेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूव। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा पॉज दिख रहे हैं, जैसे ही कल के हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा आवरली बेसिस पे एक या दो कैंडल कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ, देन वी मे एक्सपेक्ट द प्राइस मूव टुवर्ड्स 0.7250। डॉलर सीएनएच में हम देखेंगे कल लोअर लेवल से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किया, लेकिन हायर लेवल्स में प्राइस गॉट रिजेक्टेड एंड एक पिन बार बनाया हुआ है, इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है। एंड आज एक हल्का सा पॉजिटिविटी देखने का कोशिश किया है। सो दैट बीइंग द केस, ये कल का जो रेंज है इसके अंदर में थोड़ा सा साइडवाइज मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे ही कल के लो के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा एंड फॉलो थ्रू देखा जाएगा, वी मे एक्सपेक्ट ए सम सेल टूवर्ड्स 0.6062। अगर हम यूके ऑयल देखेंगे, यूके ऑयल में कल एक सेल ऑफ हुआ था टुवर्ड्स 115.62, लेकिन नीचे के तरफ
सस्टेन कर नहीं पाया एंड एक तीन बार बनाया है। इसका लोकेशन इम्पोर्टेंट है, लोकेशन है एंड द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड। दैट बीइंग द केस, इसके हाई के ऊपर जैसे थोड़ा आवरली बेसिस पे सस्टेन करेगा, अगेन ये ऊपर की तरफ मीन्स जो रिसेंट स्विंग हाई है उसके तरफ मूव करने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। लेकिन अगर ये लो के नीचे, कल के लो के नीचे सस्टेन करता है फॉर 1 आवर एंड मोर, देन एक डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 10 ईयर यूएस ट्रेजरी देखेंगे तो कल ऊपर के लेवल पे प्राइस रिजेक्शंस अच्छा खासा देखा गया है, एक पिन बार हुआ है जो 15 जून के पिन बाल को एनगल्फ कर चुका है। व्हाट इट मींस? इट मींस अ लॉट। क्या हो सकता है? जैसे ही कल के कैंडल के लो के नीचे आवरली बेसिस पे सस्टेन करेगा एंड फॉलो थ्रू करेगा नीचे के तरफ, इन सच ए सिनेरियो वी मे एक्सपेक्ट सम डाउनवर्ड मूव। ज्यादा कुछ नहीं, मे बी टुवर्ड्स 3.00 से 3.02 के तरफ। और आज अगर मान लेते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बनता है, अगर बनता है, सपोज आज के दिन के एंड में यही कैंडल फॉर्म होता है, देन मंडे को इसके ये ग्रीन कैंडल के लो के नीचे हमें एक अच्छा सा नीचे की तरफ सेल ऑफ दिख सकते हैं। तो आज का प्राइस एक्शंस आइदर कल के लो के नीचे कंटिन्यू होना है या लेटेड टू मेक ए ग्रीन कैंडल, ज्यादा बड़ा नहीं, लेस देन द 50% ऑफ यस्टरडेज रेंज। इन सच ए सिनेरियो मंडे को लो के नीचे सेल ऑफ होता है तो एक नीचे की तरफ हम प्राइस मूव देख सकते हैं। तो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस 17 जून अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव ए गुड डे।